لله العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء منبع الجود والعطاء منبع الجود والسخاء وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم والهدى ومصابيح التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلحوا ذات بينكم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ برکت اتفاق پر ہمارا سلسلہ وار خطاب جمعۃ المبارک ہو رہا ہے اور آج کا خطاب بھی اس کی ایک کڑی ہے اور ایک تسلسل ہے. دو باتیں آج کے خطاب میں آپ کو بتاؤں گا, اس کو ذہن نشین کر لیں. ایک ہے اصلاح ذات البین. اصلاح کا معنی ہوتا ہے بنانا, سوارنا, سدھارنا, تعلقات کو قائم کرنا, ریلیشن شپ کو پھر سے اسٹیبلش کرنا. ذات اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا. مثلا ذو مال, مال والا, ذو عز, عزت والا. اور بین کا معنی ہوتا ہے درمیان. تو شارحین نے, علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ذات البین کا معنی ہے آپس کی باتیں, خواہ اس کا تعلق معاملات سے ہو, دو افراد کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس سے ہو, یا پھر اس کا تعلق محبت سے ہو. بعض علماء نے یہ بتایا کہ ذات البین کا معنی ہے درمیان میں جو دشمنی ہوتی ہے اور عداوت ہوتی ہے, اور اصلاح کا معنی ہوتا ہے دور کرنا. تو اصلاح ذات البین کا معنی ہے آپس میں جو عداوت ہے, دشمنی ہے, بغض و عناد ہے, اسے دور کرنا اور اسے ختم کرنا, اسے فنا کرنا, فنش کر دینا, اور پھر سے ریلیشن شپ کو
और ताल्लुक को एस्टेब्लिश करना। एक है नफल नमाज, नफल सदका, नफल रोजा, नफल इबादत, और एक है फर्ज। फर्ज बहरहाल फर्ज है, ख्वाह वो रोजा हो या हज हो या जक़ात हो या नमाज हो या रोजा हो, लेकिन नफल नमाज, सदका, नवाफिल और नफल रोजे से ज्यादा सवाब है दो आदमियों को, दो भाइयों को मिलाना, उनके रिलेशनशिप को फिर से एस्टेब्लिश करना, उनके ताल्लुक को फिर से इस्तवार करना, उनमें जो दूरियां हैं उसे मिटाना, जो फासले हैं उसे मिटाना, उन्हें एक दूसरे के करीब करना, और इतने करीब हो जाएं कि वो गले मिलकर फिर से एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी और नए ताल्लुकात का वादा और प्रॉमिस करें। ये काम नफल इबादात से, जो मैंने आपको बताई, रोजा है, सदका है, खैरात है, नमाज है नफल, उससे ज्यादा सवाब है इसमें। एक तरफ एक इंसान मुसलसल रोजे रखता है, मुसलसल नवाफिल पढ़ता है, मुसलसल सदका और खैरात करता है, और एक तरफ एक शख्स हमेशा लोगों में सुलह कराता है, उनकी दूरियां मिटाता है, उनके फासले मिटाता है, उनके दिलों से बोझ ऐनाद और दुश्मनी निकालता है, तो मुसलसल नवाफिल वाले से इस शख्स का सवाब ज्यादा है और इसका दर्जा और ग्रेड भी ज्यादा है। फिर एक और लफ्ज है फसाद जातिल बैन, इसका माना होता है कि दरमियान में दुश्मनियां डालना, अदावत पैदा करना, दूरियां पैदा करना, दूरियों को बढ़ाना, फासलों को बढ़ाना, और दो भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना देना, एक दूसरे का मुखालिफ और बागी बना देना, और उनके दिल में अदावत और दुश्मनी की आग भड़काना। तो जिस तरह सुलह का सवाब ज्यादा है तो वैसे इसका गुनाह भी ज्यादा है। हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं, नादान हैं, जो हमेशा दो को लड़ाकर खुश होते हैं, जो हमेशा दो के दरमियान दुश्मनियां पैदा करके खुश होते हैं, जो हमेशा दो अफराद के दरमियान बुग्ज और ऐनाद की आग भड़काने की कोशिश करते हैं। सो इनका गुनाह भी ज्यादा है और आजाब भी ज्यादा है। इससे कभी इंसान इबादत से भी महरूम हो जाता है, नमाज, रोजा, जकात, हज, सदकात और खैरात, उस तक से महरूम हो जाता है, यानी अल्लाह तौफीक ही नहीं देता, इसलिए कि वो शब और रोज उसके बंदों को चैन और सुकून की जिंदगी बसर करने नहीं देता। उसने अपने जिंदगी का मिशन बनाया होता है लोगों को तकलीफ देना, सताना, उनको उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, उन पर इल्जाम लगाना, उनको पस्त करना, उन्हें जलील करना, उन्हें रुस्वा करना। इंसान खताकार सही, गुनाहगार सही, होता वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह को अपने बंदों से प्यार होता है,
तो जब इंसान अपनी जिंदगी का मिशन ये बनाता है तो फिर वो इबादत से महरूम होता है बस औकात, और बस औकात फिर वो लज्जत इबादत से महरूम होता है। इबादत तो होती है लेकिन उस इबादत की जो चाशनी है, उस इबादत की जो लज्जत है, उस इबादत की जो मिठास है, उसकी जो स्वीटनेस है, वो उसको महसूस नहीं होती। तो या तो महरूम इबादत हो जाता है या फिर लज्जत इबादत से महरूम हो जाता है। वो नमाजें पढ़ता है लेकिन उसमें वो लज्जत नहीं होती, वो महसूस नहीं होती वो लज्जत जो एक मोमिन की नमाज में होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वा अस्लिहु ذات بینکم, लोगों आपस में जो तुम्हारी दुश्मनियां हैं, अदावत है, बुग्ज व इनाद है, उसकी इस्लाह करो, उसे दूर करो, उसे खत्म करो, खुद भी चैन और सुकून की जिंदगी बसर करो, और हर इंसान के लिए ख्वाह वो मोमिन हो या मोमिन ना हो, हर इंसान के लिए बिला तमीज मजहब, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी मजहब और रिलीजन से हो, उसकी जिंदगी को जितना आसान बना सकते हो बनाओ, जितना सुकून दे सकते हो उसको सुकून दो। जो औरों को सुकून देता है, औरों की पुरसुकून जिंदगी की तमन्ना करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को पुरसुकून बना देता है। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उख बेरुकुम बे अफदला मिन दरजत सियामी वस्सदकती वस्सलाती, कि सहाबा मैं तुम्हें वो अमल न बताऊं, वो नेकी न बताऊं जो दरजा में या सवाब में रोजे से बढ़कर है, सदका और खैरात से बढ़कर है, नमाज से बढ़कर है। काल कुलना बला, रावी हदीस बताते हैं कि हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप हमें ऐसी नेकी बताएं जो सवाब में और दरजा में रोजे से यानी नफल रोजे से, सदकात व खैरात और नफल नमाज से बढ़कर हो, ज्यादा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला इस्लाहु ज़ातिल बैन, फरमाया वो नेकी जो नफल नमाज, नफल सदकात व खैरात और नफल रोजों से बढ़कर है दर्जा और सवाब में, वो आपस के मामलात को ठीक करना है, दुश्मनी और अदावत को मिटाना है, खत्म करना है और सीनों से निकालना है, सीनों से निकालना है। यही काम दुनिया के अजीम कायद, अजीम मुबल्लिग और अजीम आशिक रसूल, अजीम आरिफ बिल्लाह और अजीम सूफी और अजीम मुबल्लिग अल हाफिज अल कारी अश्शाह अल्लामा शाह मंदुरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने किया। उन्होंने हमेशा यूनिटी की बात की और हमेशा इत्तेहाद की बात की, हमेशा फासलों को मिटाया, हमेशा दूरियों को खत्म किया और उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के करीब किया, लोगों को एक दूसरे के करीब किया और हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया। हजरत से किसी ने
पूछा कि आपको कौन सा शेरनाद का ज्यादा पसंद है, तो आपने, एक शायर हैं ज़हूर अली कसूरी रहमहुल्लाह, नात ख्वां भी थे, शायर भी थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनका एक फारसी शेर बताया जिसका मतलब ये है कि जहूरी का सीना महबूब की मोहब्बत से पुर है, जहूरी का सीना महबूब की मोहब्बत से लबरेज है, इसमें अब गैर के कीने के लिए गुंजाइश नहीं है। तो पैगाम यह है आपके कायद का कि सीना और दिल महबूब की मोहब्बत से इतना पुर होना चाहिए कि उसमें किसी से अदावत के लिए, दुश्मनी के लिए, हसद बुग्ज़ एनात के लिए जगह ही ना हो। जगह हो तब जाकर फिर उसमें अदावत समाती है, दुश्मनी आती है, बुग्ज़ एनात और कीना हसद ये कैफियात पैदा होती हैं। इसको अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें। बाज लोग वो हैं जो मुसलसल रोजे रखते हैं, नफल रोजे, मुसलसल नवाफिल पढ़ते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, लेकिन वो इस नेकी से महरूम है जो नवाफिल से भी बढ़कर है। वो दिलों में दुश्मनियां पालते हैं, बुग्ज़ एनात पालते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करना, दुश्मनियों को खत्म करना, हसद बुग्ज़ एनात से निकल आना, ये नफल इबादत से बढ़कर है दर्जा और सवाब में। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा रुख उसका बयान किया, एक रुख नहीं बताया, दूसरा रुख भी बताया। फरमाया व फसाद ज़ातिल बैन ही अल हालिका, फरमाया जो आपस की दुश्मनियां हैं, आपस का बुग्ज है, इनाद है, कीना है, ये मौंढ़नी वाली है, ये दुश्मनी मौंढ़नी वाली है। जैसे आप उसरा लेके अपने बाल मौंढ़ते हैं जड़ से, तो इस तरह ये दुश्मनी और अदावत जो बिला वजह होती है, उसमें कोई शरई रीजन नहीं होता, वो नेकियों को जड़ से निकाल देती है। नेकियों को एक तो काटना होता है दरख को, और एक दरख को जड़ से निकालना होता है। तो जिसको आप कुछ नहीं समझते कि चले भाई अदावत से क्या होगा, जलेसी से, और जो गाकिन है, कीना है, उससे क्या होगा, हुज़ूर सलाम फरमाते हैं कि ये चीजें नेकियों को जड़ से काट देती हैं, निकाल देती हैं, मफहूम हदीस, और खत्म कर देती हैं। और मैंने बताया कि फिर इबादत से इंसान महरूम होता है, इबादत की लज्जत से महरूम होता है। एक और हदीस है, हुज़ूर सलाम ने फरमाया इन्नल मुतकर्रिबीना इंदल्लाह यौमल क़ियामा अल मुस्लिहून बैनन नास, फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो लोगों के दरमियान सुलह करता है, उनकी दूरियां, उनके फासले मिटाता है, उनके दिलों से बुग्ज़ एनाद, कीना और हसद की कैफियात निकालता है। ये मुस्लिहून का तबका है जिसको शरीयत में मुस्लिह कहते हैं। एक तो मुजद्दिद होता है, मुजद्दिद का मनसब अलग है, एक मुस्लिह होता है। कायदे ने सुन्नत का यही मनसब था मुस्लिहियत का, और उन्होंने मुस्लिहियत के बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। जरूरत है कि उनकी जिंदगी को पढ़ा जाए, उनकी लाइफ की स्टडी की जाए। अब कितना बड़ा मुकाम है, कितना बड़ा मुकाम है। अगर हम आपको बताते कि कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करीब कौन होगा, तो आपके जवाब मुख्तलिफ हो सकते थे। किसी का जवाब होता नमाज पढ़ने वाला, किसी का जवाब होता रोजा रखने वाला,
किसी का जवाब होता हज पे जाने वाला, जकात देने वाला, किसी का जवाब होता अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाला। ये सारे नेकियां अपनी जगह हैं, सही हैं, लेकिन हुजूर ने जो जवाब दिया उसको तवज्जो से सुने। अल मुस्लिहून बैनन नास, सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की बारगाह में वो होगा जिसने लोगों को करीब किया होगा। क्या करीब वो होगा जिसने लोगों को करीब किया होगा, जो लोगों में फितना नहीं डालता, इंतशार और इफ्तराक की कैफियत पैदा नहीं करता, वो हमेशा इत्तेहाद मुस्तफवी की बात करता है। वो हमेशा उस इत्तेहाद की बात करता है जिसमें मुस्तफवी हुसन होता है, मुस्तफवी जमाल होता है और मुस्तफवी कमाल होता है, मुस्तफवी खुशबू होती है। अब कितनी उम्दा हदीस है, इसको आप दिल के तख्ती पे लिख लें, इसको आप नक्श कर लें अपने दिल पर और आज से अपनी जिम्मेदारी बना लें। जहां भी देखा कि दो भाई नाराज हैं, दो नमाजी नाराज हैं, दूरियां हैं, वहां पहुंच जाएं खुद ब खुद, दोनों को समझाएं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने दो को समझाया तो इत्तेफाक से वो दोनों मुझसे दूर हो गए। मैं यही की बात कर रहा हूं, वो भी मस्जिद के जिम्मेदारान मुंतजमीन, कि आप इसलाह की बात क्यों करते हैं, मुझे बताया नहीं, सब अदब से सुना और मेरे सामने मान भी गए, लेकिन मुझे लगा कि दिल से बातें ना इन्होंने सुनी है और ना एक्सेप्ट की। तो अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो लोगों को समझाना छोड़ दूं या फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पे अमल करूं। अब कोई इस्लाह की बात से नाराज होता हो तो 100 बार हो जाए, मुझे तो महबूब की तालीमात पे अमल करना है। तो मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा हो, आप दिल न तोड़ें, आप कोशिश जारी रखें, इसलिए कि अल्लाह की निगाह दिल पर होती है। हदीस के मुताबिक अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह को मालूम है कि आपके दिल में इस्लाह का जज्बा है, आपके दिल में खैरख्वाही का जज्बा है, आपके दिल में इत्तेहाद का जज्बा है, आपके दिल में यूनिटी का जज्बा है। वो आपको सवाब देगा, सामने वाला आपकी बात माने या ना माने, सवाब लिखा जा रहा है आपका। बाद लोग कहते हैं हमने बारहा समझाया, नहीं मानते, अब फायदा क्या है समझाने का, उसको फायदा हो या ना हो आपका फायदा हो रहा है। वो अगर 10 बार नहीं मानता तो आपका 10 गुना फायदा है, 1 बार बताने से मान लेता तो 1 बार का सवाब होता, 10 बार कोशिश की नहीं माना तो 10 बार का सवाब आ रहा है। तो कभी शैतान वसवसे डालता है, नहीं मानते तो समझाना ही छोड़ दे, नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखें। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये वो काफिर थे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, अब ये ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी तबलीग की है, हुजूर को मालूम कि इस तबलीग का ना इन पर असर होगा ना इनके दिल में ईमान की शमा रोशन होगी, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की कोशिश मुसलसल जारी रही, इसलिए कि वो माने या न माने, वो ईमान लाए या ना लाए, हुजूर को तो तबलीग का सवाब मिल रहा है। तो अल्लाह पाक हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के तुफैल लोगों के दरमियान मुसलिह बनाए, मुफसिद न बनाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।